शहर के पास बाईपास पर एक निजी होटल में मंगलवार को नाश्ता करने के बाद कई लोग बीमार हो गए। इनमें से कई लोगों का शहर के निजी अस्पताल में उपचार करवाया गया, जबकि दंपति सहित तीन लोग अभी भी भर्ती हैं। वहीं शेष मरीजों का उपचार करने निजी अस्पताल की टीम होटल भेजी गई। पीड़ित अमन ने बताया कि वह इंदौर का निवासी है। वह इंदौर के अरिहंत इवेंट के पास कैटरिंग का कार्य करता है। इसी फर्म के साथ वह होटल में कैटरिंग कार्य करने के लिए आया था। मंगलवार सुबह नाश्ता करने के बाद उसे उल्टी होने लगी। इसी तरह अन्य कई और लोग भी उल्टी का शिकार हुए। ज्यादा बीमारों को शहर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार कर छुट्टी दी जाती रही। अभी उसके अलावा लखन आदिवासी व उसकी पत्नी ममता निवासी खजुराहो का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों की संख्या 40 से 50 थी। वहीं कुछ और बीमार लोगों का उपचार करने एक टीम भी होटल भेजी गई थी। होटल संचालिका ने बताया कि घटना फूड पॉइजनिंग की नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा ज्यादा खाना खा लेने से उनकी हालत बिगड़ी थी। वहीं दूसरी ओर पूर्व थाना प्रभारी अनिल जैमिनी का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई सूचना अब तक नहीं आई है। न तो होटल प्रबंधन और न ही अस्पताल प्रबंधन ने इसके बारे में कोई सूचना पुलिस को दी। उन्होंने मामला दिखवाने की बात कही है।